हेलो फ्रेंड्स, फ्रेंड आप सभी को मेरा चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड आज हम बात करेंगे कि चाय यानी कि टी ज्यादा पीने से क्या होता है और आपको रोजाना चाय कितना पीना चाहिए उसके बारे में छोटा सा मैं आपको जानकारी दूंगा। और फ्रेंड हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाइए। चाय जो होता है काफी ज्यादा लोग इसको पीना पसंद करता है, खासकर सुबह के टाइम पे लोग काफी ज्यादा लोग चाय पीते हैं। देखिए चाय अगर आप ज्यादा पीते हैं तो ये आपको एसिडिटी करा सकता है, पेट के अंदर गैस बन सकता है। और देखिए जो हम जब कुछ भी चीज खाते हैं तो वो पेट तक पहुंचने में एक नली के जरिए वो पहुंचता है, उसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं यानी कि इसोफेगस बोलते हैं, जो कि नीचे पेट और ऊपर मुंह इन दोनों के बीच से वो जुड़ा रहता है। तो क्या होता है कि जो पेट में जब एसिड बनता है तो वो ऊपर की तरफ आता है यानी कि फूड पाइप की तरफ आता है। तो इससे आपको क्या होता है, छाती में जलन हो सकता है, ज्यादा डकार आ सकता है और फिर एक खट्टा खट्टा पानी ऐसा लग रहा है कि पेट से ऊपर की तरफ आ रहा है, ऐसा आपको अनुभव होता है। तो इस बीमारी को हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रो इसोफेजल रिफ्लक्स डिजीज, जो कि अगर चाय ज्यादा पीते हैं तो ये बीमारी करा सकता है। अब चाय अगर ज्यादा पीते हैं तो आपको नींद ठीक से नहीं आएगा और माथे में सर में आपको दर्द का शिकायत रहता है और इसके साथ आपका जो है पाचन जो प्रणाली में काफी ज्यादा गड़बड़ी पैदा कर सकता है और आपको भूख भी आपको कम लगने लगता है। अब देखिए चाय में एक जैविक पदार्थ होता है जिसको हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, वो है टैनिन। अगर जो टैनिन जो होता है क्या करता है कि हमारा हम कुछ भी खाते हैं तो खाना से जो आयरन और कैल्शियम निकलता है उसको एब्जॉर्प्शन में ये बाधा डाल सकता है या फिर ये एब्जॉर्प्शन होने में यानी कि शरीर तक पहुंचने में ये रुकावट पैदा करता है टैनिन। तो इससे क्या हो जाता है, आपका शरीर में आयरन की कमी की वजह से खून की कमी हो सकता है जिसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं, और शरीर में कैल्शियम की कमी की वजह से आपका जो हड्डी यानी कि बोन होता है वो कमजोर पड़ने लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। अब देखिए चाय को कैसे पीना है और कितना मात्रा में पीना है। आप हमेशा रोजाना 24 घंटा में 3 कप से ज्यादा चाय कभी भी ना पिए। अगर 3 कप से ज्यादा आप चाय पीते हैं तो आपको ये सारा परेशानी हो सकता है, यानी कि इसको देखा जाए तो 500 से लेके 750 ml तक 24 घंटा में आपको इससे ज्यादा आपको चाय नहीं पीना है। अब देखिए चाय जब पीते हैं तो कभी भी खाली पेट में चाय को ना पिए, और चाय आप पीते हैं तो उसमें शुगर और दूध का मिश्रण बना के चाय कभी भी ना पिए, क्योंकि अगर चाय पीते हैं दूध और चीनी के साथ तो चाय से होने वाला जो स्वास्थ्य लाभ जो होता है यानी कि हेल्थ बेनिफिट है, जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स वगैरह जो चाय से मिलता है उसका प्रभाव जो होता है दूध और चीनी मिलाने से ये कम कर देता है। तो आप हमेशा याद रखिए कि चाय जो होता है खाली पेट में कभी ना पिए, और जब चाय पीते हैं चाय के साथ साथ धूम्रपान बिल्कुल भी ना करें, ये काफी खतरनाक होता है। तो फ्रेंड ये रहा छोटा सा जानकारी चाय से आपको क्या क्या नुकसान हो सकता है, और दिन में आप इतना यानी कि 3 कप से ज्यादा चाय ना पिए तो चाय से होने वाला जो हेल्थ बेनिफिट है वो आपको मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, ऐसे वीडियो लेके हम फिर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।